हिंदू जागरण मंच ने किया केरल सरकार का पुतला दहन। खबर दतिया जिले के इंदर तहसील अंतर्गत केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने केरल सरकार का पुतला दहन किया तथा केरल सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार केरल के पलक्कड़ जिले के मम्बारम में एसडीपीआई पीएफआई के लोगों द्वारा 15 नवंबर को 27 वर्षीय आरएसएस बौद्धिक प्रमुख संजीत किन की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में 28 नवंबर रविवार शाम को हिंदू जागरण मंच के द्वारा संगठन के जिला मंत्री अमन मिश्रा के नेतृत्व में इंद्रगढ़ ग्वालियर चौराहे पर एकत्र हुए एवं हत्याकांड के विरोध में केरल सरकार का पुतला दहन किया गया एवं सरकार के खिलाफ नामकर नारेबाजी की। इस दौरान संगठन के जिला मंत्री अमन मिश्रा ने कहा कि केरल राज्य में हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन केरल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू जागरण मंच महामहिम राष्ट्रपति जी से केरल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता है। एसआरबी पर इंदौर से श्याम पंडित की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका भैया? अमन मिश्रा, हिंदू जागरण मंच से जिला मंत्री हूँ। क्या बात, किसके विरोध में आपने पुतला जलाया? केरल में, केरल के पलक्कड़ में आरएसएस के कार्यकर्ता की 15 नंबर दो संजीव सिंह की केरल सरकार के द्वारा जो मृत्यु हुई है उसके विरोध में आज केरल सरकार का पुतला जलाया गया है। और केरल सरकार का पूरे भारत में हिंदू जागरण मंच विरोध कर रही है और केरल सरकार का हम माननीय राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि वो केरल सरकार को बर्खास्त करे। आप देख रहे हैं एसआरबी बुलेटिन न्यूज़।